सेव कर देता हूँ इसको .html। Date and time। तो जावा स्क्रिप्ट में डेट और टाइम के साथ अगर हमें काम करना है तो बहुत काम है, पढ़ा है। ओके जी, बोल रहे हैं बहुत काम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम के साथ अगर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। मैं कॉपी फाइल पाथ करके पहले ब्राउजर में रन कर देता हूँ इसको। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, इंस्पेक्ट एलिमेंट मेरा ओपन हो गया, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर डेट टाइम के साथ काम करने का है तो वेरिएबल बना लीजिए, लेट डेट में लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा, न्यू लिख दूंगा, फिर डेट इस तरह से लिखूंगा। डेट का हम न्यू के साथ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप जावा के साथ इस्तेमाल करते थे, बस रेफरेंस वेरिएबल में थोड़ा चेंजेस आए होंगे। तो डेट का हम ऑब्जेक्ट बनाए और इसमें असाइन कर दिया हमने। अब क्या करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट टू लोकल, क्या है डेट स्ट्रिंग, ये अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मान लूंगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे डाउट ही था। कोई बात नहीं, आएंगे हम कंसोल पे। समस्या होता रहता है स्पेलिंग वगैरह भूलने का। डॉट, अब मैं क्या करूंगा, टू लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए टू लोकल स्ट्रिंग। इसको मैं एंटर करूंगा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं लोकल को कॉपी कर लूंगा, मुझे पता चल गया स्पेलिंग यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और ऐसे पेस्ट कर दूंगा। तो डेट का मेथड है टू लोकल डेट स्ट्रिंग, तो इससे क्या होगा, डेट प्रिंट हो जाएगा, आज का तारीख जो है प्रिंट हो गया। 10 माने क्या, अक्टूबर, 4 तारीख हो गया आज, मतलब 12 के बाद तो डेट बदल ही जाते हैं, 2022। तो इस तरह से आप फुल डेट निकाल लेंगे। टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, डेट के लिए कॉल किया जाता है, टाइम के लिए डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो इससे टाइम निकल जाएगा। मैं रन करता हूं प्रोग्राम, ये देखिए तो एग्जैक्टली टाइम भी हमारा आ गया परफेक्टली। तो इस तरह से हम डेट और टाइम जो है निकाल लिया करेंगे। इसके कुछ और भी मेथड हैं, जैसे मैं प्रिंट करूं तो मैं इधर कमेंट करके लिख भी देता हूं, करंट डेट, और फिर इसमें आकर के कमेंट करके लिख दूंगा करंट टाइम, कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, मैं डेट टाइम बता रहा हूँ, इसके पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको एक, कि जब भी हम डेट टाइम के साथ काम करेंगे तो अगर हमें सिर्फ डेट टाइम डिस्प्ले करना है मॉनिटर पे, राइट, जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि इधर जो है डेट आता रहे, डेट टाइम मेरे को दिखाता रहे, सिर्फ दिखाना है अगर हमें वेब पेजेस पे, तब हम जावा स्क्रिप्ट का डेट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
हमने कुछ इस तरह का वेबसाइट डेवलप करा है जहाँ पे कुछ हम ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह बांटते हैं या फिर कुछ सामान खरीद बेचने खरीदने का काम करते हैं, और वहाँ पे वैलिडिटी आता है कि इतने डेट से लेकर के इतने डेट तक ही इसका वैलिडिटी है। तो जहाँ पे डेट को टाइम के हिसाब से आपको कुछ ऑथेंटिकेट करना है या फिर कुछ प्रोडक्ट वगैरह को बेचना है, मतलब इतने से मान लीजिए कि अभी 10 तारीख है तो आपने क्या ऑफर दिया, 10 तारीख सॉरी 4 तारीख है तो आपने क्या ऑफर दिया कि 4 तारीख से 10 तारीख तक जो लोग सामान खरीदेंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 10 से 11वां तारीख को अगर कोई खरीद रहा है सामान तो उसको 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह का आपको फीचर अगर डेवलप करना है तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ को कि जावा स्क्रिप्ट के मदद से एक काम भूल करके भी नहीं करेंगे, भूल से भी एक काम नहीं होनी चाहिए। या फिर जैसे एग्जाम वगैरह आप लेते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपने डेट डिफाइन किया कि इस डेट को ही एग्जाम दे सकता है, जैसे मैंने डेट डिफाइन कर दिया कि सिर्फ 4 तारीख को ही एग्जाम दे सकता है, तो ये चीजें 5 को नहीं दे सकता या 3 को नहीं दे सकता, तो ये चीजें जावा स्क्रिप्ट के मदद से चेक आप नहीं करेंगे। करेंगे तो क्या होगा, यूजर अगर ठीक ठाक इंटेलिजेंट होगा तो क्या करेगा, कंप्यूटर का डेट और टाइम डेट बदल देगा। जैसे 4 तारीख आपने बोला है एग्जाम के लिए, तो और मान लीजिए कि आज 5 तारीख हो गया, तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर का डेट बदल दूंगा, राइट। कंप्यूटर का मैं डेट बदल दूंगा, 5 तारीख है तो 4 कर दूंगा और फिर यहाँ पे 4 तारीख शो होने लगेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो डेट टाइम उठाता है आपके कंप्यूटर से। इसलिए डेट टाइम के रिलेटेड अगर टास्क आपको करना है तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप कभी नहीं करेंगे, भूल से भी ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये बहुत घातक सिद्ध होगा। आज 4 तारीख है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, कर देता हूँ यहाँ से 7 तारीख, 4 तारीख था मैंने कर दिया 7 तारीख। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ और फिर इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, 7 तारीख यहाँ पे आ गया, पर ये तो फेक है, 7 तारीख आज नहीं, आज तो 4 तारीख है। तो इसलिए डेट टाइम के रिलेटेड जो भी काम करना है हमें सर्वर साइड लैंग्वेज पे ही करना है, गलती से भी क्लाइंट साइड पे नहीं काम करना है डेट टाइम के रिलेटेड। अब आप सर्वर साइड पे करेंगे तो क्या होगा, सर्वर कहाँ से टाइम उठाएगा, तो सर्वर साइड जो लैंग्वेज है वो तो क्लाइंट के कंप्यूटर पे, मतलब इस ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होता, जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है, आपके कंप्यूटर में आएगा, सर्वर से आपके ब्राउजर में आएगा, ब्राउजर में आने के बाद जावा स्क्रिप्ट का कोड चलना शुरू करता है, एग्जीक्यूट होता है। परंतु जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो हमेशा कहाँ चलेगा, आपके सर्वर पे, मतलब इंटरनेट पे, आपने जहाँ होस्ट किया है इंटरनेट पे, जहाँ रखा है आपने अपने वेबसाइट को वहाँ पे चलेगा। तो सर्वर साइड पे जो डेट टाइम रहेगा वहाँ से डेट टाइम उठाएगा, और सर्वर का डेट टाइम तो क्लाइंट बदल नहीं सकता, इसलिए सर्वर से आप डेट टाइम जब उठाएंगे तो वहां से रियल ऑथेंटिकेट हो सकता है। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट के मदद से आप डेट टाइम पे काम कोई भी नहीं करेंगे जावा स्क्रिप्ट के मदद से। और जहां पे सिक्योरिटी की बात आ जाता है, जैसे पेमेंट वगैरह का बात आ गया या फिर ऑथेंटिकेट का, जैसे एग्जाम वगैरह आप कंडक्ट करा रहे हैं या फिर शॉपिंग वगैरह के लिए, चलिए देखते हैं। आप मान लीजिए आपको ये एक एक ठो चाहिए, मंथ डेट ईयर, तो कैसे लाएंगे हम, जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है महीना कौन सा है डेट कौन सा है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है जावा स्क्रिप्ट में ये काम को करना। डेट हम लिखेंगे डॉट गेट DAY, कॉल कर दिया मैंने, रन कर दूंगा मैं, 2 आ गया। आज कौन सा दिन है, शायद ये दिन बता रहा है हमें, डे, तो सोमवार मंगलवार ट्यूजडे हो कर लिया ये। इसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, DAT डेट,
गेट कर लूंगा, गेट डेट। फिर अब मैं इसको बदला, फोर आ गया, तो चार तारीख है इसलिए फोर आ गया। मंथ, मैं मंथ करूंगा तो मैं फालतू डिलीट कर दिया। यहां पे लिख देता हूं डेट, और यहां पे क्या बताएगा, एम ओ एन टी एच, तो ये मंथ बताएगा, मंथ। लेकिन मंथ क्या बताएगा, आप देखिएगा अभी क्या बताता है। ये मंथ नाइन बता रहा है, मंथ है तो गलत है ना, मंथ तो हमारा दसवां है लेकिन ये नाइन बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जीरो से काउंट कर रहा है। तो मंथ, जब भी आप मंथ पे काम करेंगे तो प्लस एक कर लिया करेंगे, टेन हो जाएगा। गेट ईयर लिखूंगा तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग डेट डॉट गेट ईयर, पता नहीं मैंने ईयर सही लिखा है या नहीं, ये तो सही मजा नहीं आ रहा है। यहां पे मैंने शायद गलत लिख रखा होगा, ईयर्स लिखता हूं तो अनकॉट, ये मेथड गलत है। कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, आऊंगा मैं कंसोल पे, लिखूंगा डेट, डेट के बाद एंड डॉट लगाऊंगा, सारे मेथड आपके सामने यहां पे आ जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, गेट ईयर, न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। इस पे क्लिक किया तो क्या हो गया, 2022 आ गया, तो फुल ईयर मेथड था, मैं भूल रहा था, तो मैं फिर से यहां पे आके लिख दूंगा फुल ईयर, और यहां पे लिख दूंगा ईयर, तो इस तरह से ईयर गेट हो जाएगा हमें। यहां पे आप कोई सा भी जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डे में डे आ जाएगा, हवर्स में जाएंगे तो घंटा भी आ जाएगा इसमें, घंटा मिनट। ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 24 घंटा 24 हवर्स ले रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिया है, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है, रात हो रहा है। तो इस तरह से आप घंटे मिनट सारा ले लेंगे, और इसमें बहुत सारा मेथड है गेट ईयर, तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से कॉल कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, नहीं डेट नाम का तो नहीं बना सकता हूँ, लेट माई अंडरस्कोर डेट नाम से वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या करूँगा, ये डेट है तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ और कॉन्केटिनेट कर देता हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे आ जाऊँगा डेट, यहां से मैं मंथ को ले लूंगा, तो मंथ के लिए ऐसे कर दूंगा मैं, फिर कॉन्केटिनेट कर दूंगा यहां पे, और यहां से फुल ईयर ले लूंगा। तो मैंने क्या करा, खुद से फॉर्मेट बना लिया जी, हमको ये फॉर्मेट पसंद है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और माई डेट को यहां पे मैं प्रिंट कर दूंगा, तो माई डेट जो है वो मेरे अनुसार फॉर्मेट हो गया यहाँ पे। इस तरह से आप फॉर्मेट कर लेंगे, ये देखिए इसने कॉन्केटिनेट कर दिया, ये नाइन रिटर्न किया ये वाला, और ये वन था तो ये जुड़ गया, मतलब संधि कर दिया आपस में, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसलिए हमको तो एडिशन करना है, तो अब 10 आ गया। तो इस तरह से हमने कस्टम डेट जो है बना लिया, कस्टम फॉर्मेट। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऐसे ठीक नहीं है ये, मैं चाहता हूँ कि डेट तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है चौथा महीना दसवां, चौथा डे है, दसवां महीना है 2022। टाइम दिखा देता हूँ अब यहाँ पे, तो टाइम के लिए तो सिंपल सी बात है, हम मेथड कॉल कर लेंगे डेट डॉट टू लोकल टाइम, स्ट्रिंग कॉल कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा।
लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो टाइम आ रहा है ना, ये सेकंड पूरा दिखता है यहाँ डिजिटल वॉच वॉच टाइप से 1 2 3 4 बढ़ता हुआ दिखाई दे मुझे, तो क्या करूँगा मैं इन सभी को कमेंट कर देता हूँ, इन सभी कोड को पहले तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के कमेंट कर दिया। दो मेथड हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दो मेथड में कौन सा है, पहला है सेट TIME टाइम आउट, ये मेथड है एक डेट टाइम के रिलेटेड, सेट टाइम आउट। इससे क्या होता है, इसमें दो पैरामीटर जाता है, कॉमा के दे करके मैं दो पैरामीटर किया। पहला पैरामीटर में क्या जाएगा, एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, इस तरह से आप इसको चाहे तो फैट एरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा पैरामीटर यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मिली सेकेंड में ले लेगा, मैंने 1000 दिया मतलब 1 सेकेंड दिया, मैं 3000 सेकेंड लिख दूंगा मतलब 3000 नैनो सेकेंड मतलब मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड बाद। तो यहाँ पे आप जो भी टाइम देंगे उतने देर बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा अपने आप। ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, जो भी लॉजिक आप इसके पैरेंथेसिस में लिखेंगे वो चल जाएगा अपने आप। अब मैं इस डेट को क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे तुरंत जो है नहीं प्रिंट होगा, 3 सेकंड बाद अपने आप ही प्रिंट हो गया। तो काउंट डाउन वगैरह करते हैं ना कुछ, आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं इस तरह का। तो ये तो हुआ कि कुछ सेकंड बाद कुछ मिनट बाद अगर कुछ टास्क आपको परफॉर्म करना है तो आप इस तरह से काम कर लेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि दो दो तीन तीन सेकंड में मेरा कंटिन्यूअसली कॉल होता रहे, राइट, कंटिन्यूअसली जो है कॉल होता रहे हर दो दो हर तीन तीन सेकंड में, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए एक और मेथड आता है, एक और मेथड है जिसे कहते हैं सेट इंटरवल। इंटरवल इसमें भी दो पैरामीटर जाता है, पहला पैरामीटर क्या जाएगा, एक फंक्शन जाएगा इसमें ऐसे, दूसरा पैरामीटर कितने देर में ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये फंक्शन कितने देर में कॉल होना चाहिए, मैंने डाल दिया 1 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप कहेंगे कि ये भी तो वही काम कर रहा था, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, जब सेट टाइम आउट चलता था तो क्या होता था, इतने सेकेंड बाद यहाँ पे जो भी सेकेंड आप लिखेंगे इतने सेकेंड बाद सिर्फ एक बार ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन सेट इंटरवल में क्या है, यहाँ पे जो भी आप टाइम लिमिट देंगे उतने उतने सेकंड में बार बार मेथड कॉल किया जाएगा, ये मेथड बार बार कॉल किया जाएगा, यहाँ पे जो भी टाइम देंगे सेट इंटरवल इस मेथड को बार बार कॉल करेगा उतने उतने सेकंड में। लेकिन सेट टाइम आउट क्या करेगा, सिर्फ एक बार कॉल करेगा इतने सेकंड बाद। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि सेट इंटरवल तो हमने समझ गया हमने कि बार बार कॉल करता है, तो हम क्या करेंगे इस टाइम को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। और जैसे इस टाइम को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्रिंट हो रहा है अपने आप। मैं क्या करूंगा, ये वाले को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये वाला थोड़े देर में चल गया था, मैं फिर से इसको रिलोड करूंगा, ये देखिए ये कॉल होगा ऐसे, ये देखिए 2 3 4 5 6 बोल रहा है मतलब ये कॉल कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ना कॉल करके मैं क्या करूंगा, एक दूसरा मेथड का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे docu.write, document.write का कॉल करूंगा, तो मुझे ब्राउजर में आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ ब्राउजर में आउटपुट अगर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ऐसे चल रहा है ये सही नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए मुझे इनर HTML जैसा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर मैंने कुछ अभी डॉम वगैरह बताया नहीं है इसलिए उसका इस्तेमाल ना करते हुए मैं कंसोल का इस्तेमाल कर लेता हूँ और टाइम लिमिट को थोड़ा सा घटा देता हूँ। तो ये जो टाइम दिखाया जाएगा यहाँ पे, ये देखिए
ये लाइफ टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से सेट इंटरवल में कॉल करता जाएगा ये। अगर इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल हम करते तो ये टाइम और भी अच्छे से हमें दिखाई देता। तो यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा जो है।